प्राचीन इतिहास के स्रोत। तो रूपरेखा के सब्जेक्ट में आज का हमारा ये वीडियो आखिरी है। इसके बाद हम सभी टॉपिक को डिटेल में देखेंगे। तो प्राचीन इतिहास के स्रोत में हम देखेंगे सबसे पहले पुरातात्विक साक्ष्य, उसके बाद देखेंगे साहित्यिक साक्ष्य, साहित्यिक साक्ष्य के बाद हम तीसरे नंबर पे देखेंगे विदेशी यात्रियों का विवरण। ठीक है दोस्तों, इतिहास के हमारे इस क्रम में प्राचीन इतिहास के स्रोत में हम देख रहे हैं पुरातात्विक साक्ष्य, साहित्यिक साक्ष्य एवं विदेशी यात्रियों का विवरण। उसके अंतर्गत हम देखते हैं सबसे पहले पुरातात्विक साक्ष्य में अभिलेख, सिक्के, मृदभांड, मूर्तियां, चित्रकला, और इसके बाद भी हम बहुत सारी चीजों को इसमें आगे देखते हैं। तो पुरातात्विक साक्ष्य में देखेंगे अभिलेख, सिक्के, मृदभांड, मूर्तियां, चित्रकला आदि चीजों को देखते हैं। साहित्यिक साक्ष्य में हम देखते हैं दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, पहला होगा धार्मिक साहित्य, दूसरा हुआ धर्मेतर साहित्य। साहित्यिक साक्ष्य में देखते हैं पहला देखेंगे हम धार्मिक साहित्य, दूसरा देखेंगे धर्मेतर साहित्य। धार्मिक साहित्य में फिर वापस हम देखेंगे यहां पर ब्राह्मण साहित्य, और दूसरा हम देखेंगे ब्राह्मणेतर साहित्य। इसमें हम देखेंगे ब्राह्मणिक साहित्य में वेद, उपनिषद, अरण्य पुराण, लाइट सही नहीं दे रहा है कलर, फिर ले लेते हैं। इसमें हम देखेंगे वेद, उपनिषद, अरण्यक, पुराण, रामायण, महाभारत आदि। तो हम देखेंगे ब्राह्मण साहित्य में देखेंगे वेद, उपनिषद, पुराण, रामायण, महाभारत आदि को देखेंगे। उसके बाद देखेंगे ब्राह्मणेतर साहित्य में देखेंगे जैन साहित्य, एवं बौद्ध साहित्य। तो इसमें हमारा हो जाए धार्मिक साहित्य में देखेंगे ब्राह्मण साहित्य में ब्राह्मणेतर साहित्य, इसको दो पार्ट में डिवाइड करेंगे हम। तो ब्राह्मण साहित्य में वेद, उपनिषद, अरण्य पुराण, रामायण और महाभारत को देखेंगे। ब्राह्मणेतर साहित्य में जैन साहित्य और बौद्ध साहित्य को देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे धर्मेतर साहित्य में वही कौटिल्य का अर्थशास्त्र,
कल्हण की, राजतरंगिणी, कालिदास की, अभिज्ञान, शाकुंतलम, और मेघदूत। इसमें हम देख सकते हैं कालिदास के अभिज्ञान, शाकुंतलम, मेघदूत, रघुवंश, मालविकाग्निमित्रम, और इसमें कालिदास की ओर से बहुत सारी रचनाएं हैं और बहुत सारे दूसरे कवियों महाकवियों की रचनाएं भी है, दूसरे और शास्त्रियों की रचनाएं भी हैं। तो हम इसमें पाणिनि की व्याकरण देख सकते हैं, अष्टाध्याय देख सकते हैं, कौटिल्य के अर्थशास्त्र देख सकते हैं। इस प्रकार से हम धर्मेतर साहित्य में सभी को देख सकते हैं। और उसके बाद हम आ जाते हैं विदेशी यात्रा के विवरणों को, विदेशी यात्रा के विवरण को हम देखेंगे यहाँ पर। चीनी लेखक, अरबी लेखक एवं यूनानी लेखक में सबसे पहले शुरू करेंगे हम चीनी लेखक। दूसरे नंबर पर हमारा आता है अरबी लेखक एवं तीसरे नंबर पर आते हैं यूनानी लेखक। चीनी में हम देख लेंगे फायान, हेनसांग, संयुगन और इत्सिंग। उसके बाद आता है हम अरबी लेखक सुलेमान, अलबरूनी, अलमसूदी। इन सबको हम ले सकते हैं, इसके अलावा भी वो लेखक हैं, उन सभी को हम ले सकते हैं। सभी की लिस्ट तो यहाँ तैयार नहीं की जा सकती, ये मुख्य मुख्य की लोगों की गई है, ये सबकी करेंगे तो बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा मैटर हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे हम यूनानी लेखक में टेसियस, डायोनियस, टॉलमी, निर्याकस, मेगस्थनीज और चंद्रगुप्त के साथ आने वाले अनेसी क्रिस्टस, ऑस्टिबुलस, इन सभी को हम इसमें देखेंगे। अनेसी क्रिस्टस, ऑस्टिबुलस, ठीक है। और यहाँ पर भी हम आदि ITC का प्रयोग कर सकते हैं, इसके अलावा भी हम ETC का प्रयोग कर सकते हैं। तो हम एक बार देखते हैं, सबसे पहले देखिए हम पुरातात्विक साक्ष्य। तो पुरातात्विक साक्ष्यों को हम साक्ष्यों में देखते हैं अभिलेख, सिक्के, वृद्धबाण, मूर्तियां, चित्रकला। इसके अलावा भी और चीजें हैं जो पुरातात्विक साक्ष्य में शामिल होती है, उनको भी हम आगे डिटेल में वीडियो में देखेंगे, लेकिन यहाँ हम इस रूपरेखा के लिए मुख्य मुख्य चीजों को ही लेंगे, ठीक है। उसके बाद देखते हैं साहित्यिक साक्ष्य। साहित्यिक साक्ष्य को हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, पहला धार्मिक साहित्य, दूसरा धर्मेतर साहित्य। तो धार्मिक साहित्य में हम देखेंगे ब्राह्मण साहित्य और ब्राह्मणेतर साहित्य। ब्राह्मण साहित्य के अंदर हम देखेंगे वेद, उपनिषद। ब्राह्मण साहित्य के अंदर वेद, उपनिषद, अरण्यक, पुराण, रामायण और महाभारत को लेंगे हम। पर मुख्य मुख्य चीजें मैंने यहाँ ली है, इसके अलावा भी और चीजें हैं जो ब्राह्मण साहित्य में शामिल होती है। और ब्राह्मणेतर साहित्य में मैंने दो मुख्य टॉपिक को लिए हैं, जैन साहित्य और बौद्ध साहित्य को। इसके अलावा भी और कुछ टॉपिक हैं जिनको हम ब्राह्मणेतर साहित्य में शामिल कर सकते हैं। उसके बाद देखते हैं हम धर्मेतर साहित्य में। तो इसमें कौटिल्य, मान लीजिए कौटिल्य है तो उनके अर्थशास्त्र ले लीजिए, कल्हण की राजतरंगिणी ले लीजिए, कालिदास के अभिज्ञान, शाकुंतलम, मेघदूत, रघुवंश, मालविकाग्निमित्रम, इनकी सभी रचनाओं को ले सकते हैं हम। उसके बाद पाणिनि को, अष्टाध्यायी को ले सकते हैं अपन। यहाँ पर बहुत सारी सुश्रुत की सुश्रुत संहिता, मतलब कौटिल्य धर्मेतर साहित्य में हम सभी लेखक और उनकी रचनाओं को ले सकते हैं, बहुत सारे को। इसमें भी उन्होंने दो चार मुख्य लिखी है, इसमें भी बहुत और ज्यादा हम ले सकते हैं। उसके बाद देखते हैं विदेशी यात्रियों के विवरण में मुख्य रूप से चीनी यात्री आते हैं, अरबी आते हैं और यूनानी आते हैं। तो चीनी, अरबी और यूनानी के क्रम में हम देखेंगे चीनी लेखक में मुख्य है फायान,
हरिंसांग, संयुगन और इत्सिंग। इसके अलावा भी चीनी यात्री है दो तीन और चार और बहुत है, तो हम मैंने उनको यहाँ नहीं दिया है डिटेल में, उनका थोड़ा सा देख लेंगे। उसके बाद है अरबी लेखक। अरबी लेखक में हम देखते हैं सुलेमान, अल बरूनी, अल मसूदी। इसके अलावा भी और अरबी लेखक हैं, उनको भी हम डिटेल में देखेंगे। यहाँ पर रूपरेखा में मैंने मुख्य मुख्य अरबी लेखक को इन तीन चार को ही शामिल किया। उसके बाद देखते हैं यूनानी लेखक, टेसियस, डायोनियस, टॉलमी, निर्याकास, मेगास्थनीज और अनेसिक्रिस्टस, ऑस्टिबुलस आदि। यह है यूनानी लेखक। चंद्रगुप्त मौर्य के साथ आने वाले जितने भी राजदूत, उसके राजदूत, उसके साथ आने वाले सेनापति वगैरह, वो सब यूनानी थे। उसके बाद और बहुत सारे ये जो लेखक वगैरह हैं, ये सब यूनान से आते हैं। तो इनमें भी मैंने मुख्य मुख्य लिए हैं। डिटेल में जो वीडियो बनाएंगे उस वीडियो में हम यूनानियों को भी डिटेल में देखेंगे, अरबी को, चीनियों को, धर्मेतर साहित्य के अंतर्गत आने वाले, धार्मिक साहित्य के अंतर्गत आने वाले, और इन सभी को हम डिटेल में देखेंगे। तो हमने आज इसको प्राचीन इतिहास के स्रोत को, पुरातात्विक साक्ष्य, साहित्यिक साक्ष्य, विदेशी यात्रियों के विवरण को एक संक्षिप्त रूप में देखा है, एक छोटे रूप में देखा है। इसके अलावा कल का जो हमारा डिटेल वीडियो रहेगा उसमें अब रूपरेखा खत्म हो जाएगी हमारी। इसके बाद हम अब इन सभी टॉपिक के ऊपर अब डिटेल वीडियो कल से चर्चा करेंगे।